Hi everyone, welcome to Cooking with Benazir. Assalamualaikum. आज हम चिकन दम बिरयानी बना करके तैयार करेंगे. हम बहुत ही आसान तरीके से बिरयानी बनाएंगे. सबसे पहले हमें चिकन ले लेना है. हमने 1 किलो चिकन लेकर अच्छी तरह से धोकर इसे सुखा लिया है. चिकन में पानी नहीं होना चाहिए. हम इसमें नमक डाल देंगे थोड़ा, साथ में हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे. यहाँ हमने 2 टेबलस्पून यूज़ किया है, इसमें से हम अभी 1 टेबलस्पून डालेंगे. 1 टेबलस्पून को हम बाद में यूज़ करेंगे. लाल मिर्च पाउडर 2 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून. इसमें हम दही डाल देंगे. 1 कप भरकर दही यूज़ किया है हमने बीट करके, तकरीबन 350 ग्राम. साथ में हम 2 टीस्पून लेमन जूस भी डाल देंगे, नींबू का रस. 2 टेबलस्पून बिरयानी मसाला पाउडर. ये बिरयानी मसाला पाउडर हमने घर पर बनाया है, इसका वीडियो हमने अपलोड किया है. किस तरह से परफेक्ट बिरयानी मसाला पाउडर बनाया जाता है आप ज़रूर जाकर हमारे चैनल पर देखें, हम ऊपर लिंक भी दे रहे हैं. हम इसमें थोड़े पुदीने के पत्ते डाल देंगे और थोड़ा हरा धनिया बारीक कट करके. 2 टमाटर बड़ी साइज़ के बारीक बारीक चॉप कर लेना है. तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से हाथों से हमें मिक्स करना है और इसे कवर करके 4 से 5 घंटों के लिए फ्रिज में रख देना है. आइए चावल को बॉईल करके तैयार कर लेते हैं. हमने यहाँ पर 3 लीटर पानी गर्म करने के लिए रखा है हाई फ्लेम पर. हम इसमें नमक डाल देंगे. नमक हम जो नॉर्मली यूज़ करते हैं उससे हमें डबल यूज़ करना है, क्योंकि हम पानी को बॉयल करके फेंक देने वाले हैं पानी को. नींबू का रस 1 टीस्पून, ये इसीलिए डाला जाता है कि चावल खिले खिले बने. 1 से 2 टीस्पून तेल, इससे हमारे चावल आपस में चिपकेंगे नहीं, खिले खिले बनेंगे. 2 तेज़पत्ते, 1 टुकड़ी दालचीनी, 1 बड़ी इलायची, 3 से 4 लौंग, 2 से 3 हरी इलायचियाँ. पानी को अच्छी तरह से हमें बॉईल होने देना है. पानी में अच्छी तरह से उबाल आ गया है, बस इसी तरह पानी को अच्छी तरह बॉईल होने देना है. हम इसमें चावल डाल देंगे. ये 500 ग्राम बासमती चावल है जिसे हमने आधे से पौने घंटे पहले भिगा दिया था. आप जो भी चावल यूज़ कर रहे हैं ध्यान रखें कि कम से कम आधे से पौना घंटा इसे भिगा दें. हल्के हाथों से चलाएंगे. हमने यहाँ पर बासमती चावल यूज़ किए हैं, आप सीला चावल भी यूज़ कर सकते हैं. 1 किलो चिकन में हमने 500 ग्राम चावल यूज़ किए हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको इतने ही यूज़ करना है. आप चाहें तो 700 से 800 ग्राम चावल भी ले सकते हैं, या चिकन की जो क्वांटिटी है वो 700 से 800 ग्राम ले सकते हैं और 500 ग्राम चावल ले सकते हैं. अच्छी तरह इसे हाई फ्लेम पर 6 से 7 मिनट बॉईल होने देना है और 70% तक पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं पकाना. 6 से 7 मिनट हाई फ्लेम पर बॉईल होने से ये 60-70% पक जाएंगे, बस इतने ही हमें पकाना है, क्योंकि हम कच्ची चिकन की दम बिरयानी बना रहे हैं. 6 से 7 मिनट हाई फ्लेम पर हमने बॉईल किया है. चावल अच्छी तरह से 70% तक कुक हो गए हैं. आप देख सकते हैं कि ये ज़्यादा नहीं पके हैं और थोड़ी तकलीफ से टूट रहे हैं. फ्लेम को बंद करके हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे, इसका पानी अलग कर लेंगे और इस पर थोड़ा ठंडा पानी डाल देंगे ताकि इसकी कुकिंग बंद हो जाए. दोस्तों, मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस बेल बटन को भी याद से दबा दें. जब आप इस बेल बटन को दबाएंगे तो आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, ऑल, पर्सनलाइज्ड और नन. आपको ऑल पे क्लिक करना है. अगर आप ऑल पे क्लिक नहीं करेंगे तो आपको मेरे सारे नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे, तो ध्यान रहे ऑल पे क्लिक करना है. चावल को बॉईल करके हमने अलग से छन्नी में स्ट्रेन करने के लिए रख दिया है. हमने उसी बर्तन में आलू ले लिए हैं. यहाँ हमने 4 आलू लिए हैं जिन्हें हमने बड़ा बड़ा कट किया है, और जो छोटे आलू हैं उन्हें हमने कट नहीं किया है. ये हम गरम तेल में डाल देंगे. 1/2 कप तेल लिया है हमने. हाई फ्लेम करके आलू को हमें अच्छी तरह से फ्राई करना है ताकि वो गल भी जाएं और उन पर एक अच्छी सी गोल्डन कोटिंग आ जाए. आलू अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं, गोल्डन हो गए हैं, हम इन्हें निकाल लेंगे. उसी तेल में हम 2 तेज़पत्ते डाल देंगे. फ्लेम को हमने लो किया है.
एक छोटी टुकड़ी दालचीनी, 3 हरी इलायची और 3 लौंग भी डालेंगे। थोड़े मसाले बिरयानी में हम साबुत डालते हैं और थोड़े पीस कर डालते हैं। हम इसमें प्याज डाल देंगे स्लाइस करके। हमने यहाँ पर 3 बड़े प्याज यूज़ किए हैं, इसकी बारीक सी स्लाइस की है। हम साथ में 7 से 8 हरी मिर्चियाँ भी डालेंगे। हमने छोटी वाली मिर्चियाँ यूज़ की हैं, आप अगर बड़ी यूज़ कर रहे हैं तो ध्यान से जिस तरह आपके घर में खाते हैं उतनी डालें। फ्लेम को हाई करके प्याज को हमें अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कर लेना है। प्याज को हमने अच्छी तरह से ब्राउन किया है, पूरी तरह से ब्राउन करना है हमें। और जो 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट हम बचा कर रखे हैं वो पेस्ट हम इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम करके अदरक लहसुन को भून लेंगे प्याज के साथ 1 से 2 मिनट। हम आपको बड़े सिंपल तरीके की बिरयानी बता रहे हैं जिसमें आपको अलग से प्याज को निकालना और फिर बाद में उसे पीस कर डालने का टेंशन नहीं होगा। ये तरीका शॉर्ट और सिंपल है और इसका टेस्ट भी वैसा ही आएगा। मसाला भुना गया है, हम फ्लेम को बंद कर देंगे। ध्यान रहे फ्लेम को बंद करना है इस पॉइंट पर। हम इसमें जो चिकन हम मैरिनेट करके रखे हैं वो डाल देंगे। चिकन को हमने अच्छी तरह से 4 से 5 घंटे मैरिनेट किया है। आप जितना मैरिनेट करेंगे उतना ही फ्लेवरफुल बिरयानी बनेगी। अच्छी तरह से मिलाएंगे। अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है तमाम चीज़ें। हम आलू को इस तरह से साइड में प्लेस करेंगे। इस तरह से साइड में आलू रखने से सर्व करने के टाइम हमें काफ़ी आसानी हो जाती है। आलू को अच्छी तरह से हमने इस पर प्लेस कर दिया है। हम इस पर थोड़ी तली हुई प्याज को स्प्रिंकल कर देंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो करें। एक प्याज को फ्राई कर लें इस तरह से। हम यहाँ पर रेडीमेड फ्राइड ऑनियन यूज़ कर रहे हैं। थोड़ा पुदीना, थोड़ा हरा धनिया। हम इस पर चावल बिछा देंगे जो हम बॉईल करके रखे हैं। तमाम चावल हमने बिछा दिया है। हम इस पर दूध डाल देंगे। 1/2 कप दूध यूज़ किया है हमने। इसे हम इस तरह से सब तरफ पोर करेंगे। हमने थोड़ी सी केसर को गर्म पानी में भिगा कर रखा था, इसे भी हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे। आप चाहें तो जो ऑरेंज फूड कलर है उसे आप भिगा सकते हैं। आप ऑरेंज फूड कलर को थोड़े पानी में मिलाकर वो भी डाल सकते हैं। थोड़ा हरा धनिया, थोड़ा पुदीना, थोड़ी तली हुई प्याज। हम इस पर थोड़ा प्योर घी भी डालेंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा सब जगह पर डालेंगे। टोटल हम इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून प्योर घी डालेंगे। तकरीबन 1 से 2 टीस्पून केवड़ा वाटर भी डालेंगे। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है बिरयानी में। आप चाहें तो रोज़ वाटर भी डाल सकते हैं। जायफल और जावित्री का पाउडर, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें वरना नहीं। हमें इसे पूरी तरह से पैक करना है। पूरी तरह से अच्छी तरह हमें इसे पैक करना है। कहीं से भी स्टीम को बाहर नहीं निकलने देना है। ऊपर से हम इस पर इस तरह से लिड भी लगाएंगे ताकि ये कम्प्लीटली पैक हो जाए। आप चाहें तो कोई कपड़ा रख के भी इसे पैक कर सकते हैं। हम इसे हाई फ्लेम करके 4 से 5 मिनट पकाएंगे। बाद में फ्लेम को बिल्कुल लो करेंगे और 30 से 35 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पर पकने देंगे। 1/2 घंटा हो चुका है, हमने फ्लेम को बंद कर दिया है। बंद करके 10 मिनट के बाद हम इसे खोल रहे हैं। इसे तुरंत ना खोलें, 10 मिनट इसी तरह रेस्ट करने दें, बाद में बिरयानी को खोलें। माशाल्लाह, आप देख सकते हैं बहुत अच्छी बिरयानी बनकर तैयार हुई है और राइस भी बहुत अच्छी तरह तैयार हो गए हैं और खिले खिले भी हैं। बहुत अच्छी तरह बिरयानी बनकर तैयार हुई है। मसाला भी बहुत अच्छी तरह पक गया है। हम इसे गर्मा गर्म सर्व करते हैं।
तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।